था, क्या इस तरह की कोई बात है? नहीं, जो मैंने आज स्टेटमेंट जो दिया है इसमें मैंने कहीं भी अल्ताफ हुसैन साहब का नाम नहीं लिया है। 70 मिलियन की एक पेमेंट जरूर हुई है, ये थ्रू यूसुफ मेमन एडवोकेट इनको दिए गए थे कि वो पैसे जो पॉलिटिशियन पैसे आईएसआई से नहीं लेते हैं, लेना चाहते हैं तो इनके लिए या इनसे ले लें। ये जनरल बेग ने और प्रेसिडेंट साहब ने मुझे बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिए थे। वो 70 मिलियन में यूसुफ एडवोकेट ने 15 लाख तो उसको दे दिए, क्या नाम है इसका, एजाजुल हक को 4 करोड़ 85 लाख में, ये बता रहा है कि जावेद हाशमी को दिए, बाकी का ये बताता है कि मैंने दे दिए। मेरे को नहीं लगता कि इसने दिए कि नहीं दिए, मुझे नहीं पता है। सही, आपको ये नहीं पता कि अल्ताफ हुसैन तक रकम पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन आपको ये बताया गया कि उनको भी देने हैं? नहीं, इनको पैसे दिए हैं कि नहीं दिए मेरे को पता ही नहीं है ना, तो मैं कैसे बोलूं कि इनको देने के नहीं देने। यहाँ पे हमने क्लियरली लिखा है वर पे टू मिस्टर यूसुफ मेमन ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ जनरल बेग फॉर द पॉलिटिशियंस हु डिड नॉट वांट टू गेट मनी डायरेक्टली फ्रॉम आईएसआई। अच्छा ये बता दें कि आप समझे ना, 34 करोड़ से बढ़कर मामला 1 अरब और 48 करोड़ तक। देखें मैंने ये एक करोड़, अब आप किसी फंड में से या किसी को निकालने तो मैं अपने बाबा का माल समझ के तो नहीं दे दूंगा ना, हबीब बैंक है उसमें भी अकाउंट हो। तो मैंने जो ग्रुप बनाए थे उन ग्रुप को मैंने फाइनेंस किया 148 करोड़ में से 35 to 40 करोड़ रुपीज वी हैव स्पेंड टू द इलेक्शन ऑफ 90, ठीक है, बाकी के पैसे थे ना वो इन्वेस्ट किए गए, सारे पैसे दूसरे थे ना वो सारे इन्वेस्ट किए गए। अच्छा आपने जो बयान है इसमें ये भी बताया है कि जब आपकी मुलाकात हुई आपने इब्तदाई तौर पर इनकार कर दिया था कि इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ओनली 3 of us प्रेसिडेंट जनरल बेग एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट, प्रेजिडेंट इंक्वायर्ड ऑफ मी फॉर द अरेंजमेंट ऑफ रुपीज 35 to 40 करोड़ फॉर द ग्रेट नेशनल इंटरेस्ट टू विच आई टोल्ड द प्रेसिडेंट दैट अरेंजमेंट फॉर सच ए ह्यूज अमाउंट वॉज नॉट पॉसिबल थ्रू लीगल मीन्स, लीगल तरीके से नहीं हो सकता, एंड मैनिपुलेशन शैल बी नीडेड यानी मैं इसमें मुझे गड़बड़ करनी पड़ेगी तो हो सकता है वरना नहीं हो सकता, ठीक है ना। फॉर द पर्पस द प्रेसिडेंट डायरेक्टेड दैट व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड शुड बी डन फॉर द नेशनल काज। ये बताएं ये जो गड़बड़ हुई और उसके बाद रकम का बंदोबस्त हुआ तो इसमें मतलब पूरा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट था कोई बैंक का, कौन कौन और लोग आपके साथ, जाहिर सी बात है नहीं तो, वो तो बैंक में तो ऐसे होते एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, एक प्रोविंशियल कमेटी होती थी, प्रोविंशियल कमेटी जो मेरे अंडर में थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो प्रेसिडेंट के अंडर में थे, प्रेसिडेंट इसको चेयर करते थे या सीनियर मेंबर जो भी होता था चेयर करते थे, तो उन सबकी इसमें अप्रूवल है। मैंने अपनी पावर से किसी को नहीं दिया इतना, इट इज़ अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स मीन्स के मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड प्रोविंशियल कमेटी। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वो उनके नॉलेज में थी? हाँ, इस तरीके से नहीं, इनके नॉलेज में नहीं थी, ये तो बात तो यहाँ पे ही थी ना कि मैंने ये ट्रांजेक्शन किया था ऑन माई ओन, इसमें कोई बोर्ड वालों को पता नहीं था। अगर बोर्ड वालों को पता होता तो आज इनकी तो कॉलोनी लगी होती है हबीब बैंक की जेल में। तो सर ये बताएं कि आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत दो बहुत बड़े ओहदे हैं, तो उनसे आपका पहले से ताल्लुक था या मतलब ये भी मैंने लिख दिया है, ये भी मैंने लिख दिया है, ये भी मैंने लिख दिया है। इन 1979-80 व्हेन आई वाज सर्विंग एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द हबीब बैंक लिमिटेड एंड पोस्टेड एट कराची I had met Brigadier later General Mirza Aslam Beg, tabhi ye brigadier the, theek hai, Beg, at the residence of Brigadier Kamarul Islam, ek brigadier the, ek tha Brigadier Muhammad Aslam, who was
also present. Here, meri mulaqat ke baad ek dusra bhi hai. The above meeting translated into personal friendship between General retired Mirza Aslam Beg and myself. ये मैंने सब चीजें लिख दी हैं, मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी है.